तो कहानी शुरू होती है खूबसूरत वादी से, वादी मतलब बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ और बहुत शानदार नजारा। और हमें दिखाई जाती है दो लड़कियां, लैला और जेन। तो जेन लैला की वीडियो बनाती है और अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है जो कि एक एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद दोनों अपने कमरे से बाहर आती हैं, मतलब अपने कैबिन से बाहर आती हैं और देखते हैं सामने चार पांच लौंडे हैं जो यहाँ पर घूमने आए हैं। वहीं से एक लड़का यहाँ पर आता है, वो इनको अपने कैंप में जोड़ने के लिए कहता है कि हम लोग यहाँ पर राइडिंग करने आए हैं, ऊपर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आए हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो और रात को हमारी पार्टी है, आ जाना। तो उसके बाद ये लोग आकर आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि हमने दो लड़कियां देखी यहाँ पर, वो हमारी पार्टी में आएंगी। उसके बाद रात होती है, ये सब लोग पार्टी करते हैं, ड्रिंक पीते हैं। उसके बाद जेन यहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन ये जो लड़का है जॉय वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। ये अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है और अपने कैबिन में आकर अपने बॉयफ्रेंड की वीडियोस को देखती है और उसे याद करती है। और इधर लैला वो कहती है मैं अभी सुसु करके आ रही हूँ, वो उधर जाती है खोपचे में। तभी उसके पीछे पीछे चला जाता है जॉय और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। तो उसके बाकी के दोस्त आकर उसको रोकते हैं कि ये सब मत करो, ये गलत है। इसी बीच लैला उठकर भागती है और एक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और वो तड़प रही होती है। इधर जेन ये सब सुनती है, कुछ आवाजें सुनती है और वो इनका पीछा करने लगती है। और ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि देखो यार, इस लड़की को हमने रेप करने की कोशिश करी है, अगर इसको हमने बचाया तो ये हम सबको अंदर कर देगी, तो हमें इसको मार देना चाहिए। और सब लोग एक पत्थर से उसे पीट पीट के मार देते हैं और इन सबको जेन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। और ये लोग जेन को देख लेते हैं, जेन यहाँ से भागने लगती है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगती है और पीछे पीछे ये लोग चढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर सिर्फ हल्के वजन वाले ही जा सकते हैं, तो जेन वहाँ जाकर रुक जाती है और ये लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं, वो उनको दवाइयाँ देते हैं, कुछ लोग नीचे इंतजार करते हैं। जो ही कहते हैं ऐसा है ना, दो लोग नीचे रुको और बाकी लोग ऊपर चलो, क्योंकि दूसरी साइड से ऊपर चढ़ा जा सकता है और जिस जगह से ये चढ़ने की कोशिश कर रही है वहाँ से चढ़ना मुश्किल है। उसके बाद जेन दिखाई देती है, जेन अपने नक्शे में देखती है कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना चाहिए और वो एक जगह पर आकर फंस जाती है और थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ती है। लेकिन उनसे पहले ही टॉप पर जॉय अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है और वो जेन को बोलता है कि तुम हमें वो कैमरा दे दो, हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। और वो उसकी तरफ एक रस्सी फेंकते हैं, लेकिन जेन एक पर्ची लिख के इनकी रस्सी में बांध देती है और लिखा होता है फक यू। उसका जेन देखती है यहाँ पर एक पुराना पैराशूट है, वहीं पर फंसा हुआ है, तो वो उसको बिछा कर उसके अंदर सोने लगती है। और यहाँ पर जॉय और उसके बंदे जेन का फोन चलाते हैं। उसका रात को ही जॉय अपने बंदे को भेजता है कि जाओ जेन पर हमला करो, और उसको हमला करके उसका जो पैराशूट होता है वो गिरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेन जो बंदा लटका होता है उसको पेल देती है और घायल कर देती है और खुद किसी तरीके से सर्वाइव करती है। और यहाँ पर ये दोनों बंदे बात करते हैं कि ऐसा नहीं यार, वो लड़की बहुत कातिल है और वो सबको मार देगी, और वैसे हम गलत कर रहे हैं, जो गलत काम किया है वो सिर्फ जॉय ने किया है, और जॉय के पीछे आके हम लोग भी ये गलत काम करने लगे हैं। तो जॉय इनकी बातें सुन लेता है और वो धीरे इन दोनों को नीचे गिर देता है और फिर तीसरे बंदे को नीचे भेजता है, कहता है जाओ उससे कोई डील करो। तो बंदा नीचे आता है और इसको बोलता है कि ये लो खाना, बस मुझे कैमरा दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये अच्छी अच्छी बातें करके उससे कैमरा ले लेता है और ऊपर आके जॉय को कैमरा देता है कि उसने कैमरा दे दिया, इसको छोड़ दो। जॉय देखता है कि कैमरे में तो मेमोरी कार्ड है ही नहीं, तो वो उसको वहीं से लटका के उसमें आग लगा देता है और जेन को बोलता है अगर मेरे साथ चलाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। उसके बाद वो खुद लटक कर आता है और जेन पर हमला करता है। इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है लटके लटके ही, और जेन अपने इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके जॉय को यहाँ से नीचे गिर देती है और खुद अपनी जान बचाती है। और आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ वो पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, इसमें दिखाया गया है कि अकेला इंसान भी क्या कुछ नहीं कर सकता अगर उसने मन में ठान लिया है। तो छह लोग इसके पीछे पड़े होते हैं इसकी जान लेने के लिए, और ये अकेली कैसे उन सबसे अपने आप को बचाती है, ये इस फिल्म की कहानी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।